फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मटन सीख पराठा। वाओ, आज बनने वाला है मटन सीख पराठा। वैसे अभी तुम बात कर रहे थे कि मैंने माहिम में खाई थी। मैंने माहिम में खाई थी ये सीख पराठा। जो लोग माहिम में खाए होंगे वो तो समझ गए होंगे ये पराठा और सीख। वैसे तो बहुत जगह मिलता है ये सीख पराठा, लेकिन मुझे जो फरीद सीख पराठा है ना, बहुत मतलब मुंबई में बहुत से लोगों को पता होगा जोगेश्वरी में है सीख पराठा, मुझे वहां का बहुत ही मस्त लगता है। वैसे तो मोहम्मद अली का भी मैंने खाया है, माहिम का भी खाया है। तो यार, आप लोग भी बताना कि आप लोगों को सीख पराठा कहाँ का ज्यादा पसंद है ना? ऐसे तो है ये बम्बई का सीख पराठा, हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि हम सीख पराठा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम मटन, चने का आटा, मैदा, पुदीना, कोथमीर, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्चे, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर, कटी हुई हरी मिर्ची, काली मिर्ची पाउडर, एक कटा हुआ प्याज, और पराठे के लिए लेंगे हम गेहूं का आटा और मैदे का आटा, और ये हमारे मसाले हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम कीमे से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने ली हूँ आधा किलो कीमा। इसको मैंने एक बार मशीन में फिरा के लेके आई हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले एक बार और हमारे मिक्सर में हम पीस लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कल लाई थी रात में, और इसको धो के छन्नी में निथार के इसको मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो इसके लिए ये सूखा हो गया है। ठीक है, तो आप भी पानी वाला कीमा नहीं लेना। ठीक है, मैं इसको पीस के लेके आती हूँ थोड़ा। तो देख रहे हैं आप लोग, एकदम बारीक पीस ली हूँ मैंने मिक्सर में इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले डालेंगे इसमें अदरक लहसुन 2 चम्मच। इसके बाद डालेंगे हम इसमें हरी मिर्ची, ये 3 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली हूँ, आप आपके हिसाब से डाल लेना जितना टेस्ट खाते हैं। अब इसमें डालेंगे हम ये कुटी हुई लाल मिर्चें, अब डालेंगे इसमें कुटा हुआ धनिया, अब डालेंगे इसमें ये 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये घर का गरम मसाला पिसा हुआ है मेरा। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिरी। ठीक है, अब आ गई हमारी इसमें डालने की, ये 1 चम्मच ली हूँ मैंने मैदे का आटा। अगर आप मैदे का आटा नहीं डालना चाहते तो आप कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं डालूंगी इसमें ये 3 चम्मच मैंने बड़े चम्मच ली हूँ चने का आटा, जो कि मैंने इसको अच्छे से भून ली हूँ पहले तवे पे। ठीक है, अब डालेंगे हम इसमें कोथमीर, पुदीने को भी डाल देंगे थोड़ा सा हम बारीक बारीक काट के, ठीक है, पुदीना मैंने थोड़ा ही डाली हूँ, थोड़ा साइड में रख दी हूँ। अब डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक है, अब डालेंगे हम ये प्याज, तो ये प्याज का ना मैंने काट के, देख रहे आप लोग ये गोल हो गया है, तो इसको मैंने एक कपड़े में ना अच्छे से बांध के रख दी थी, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल गया है। तो ये पानी क्यों निकाले वो बताओ? तो ये पानी इसलिए निकाले क्योंकि हमको कबाबों में पानी की कोई ज़रूरत नहीं है सिवाय नींबू के जूस के। पानी के नाम पे सिर्फ नींबू का जूस डाला जाता है इसमें, ताकि हमको सीख हमारे अच्छे से बन सके। पानी रहेगा तो हमारे सीख टूटने का डर रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नींबू का जूस निकाल के पहले से रखी, ये अब हम इसमें डाल दिए। अब आगे हमारी नमक की बारी है। ठीक है, अब नमक मैं मेरे हिसाब से डालूंगी, आप आपके हिसाब से डालना है ना। अब मैं इसको अपने हाथों के जरिए अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास वो कोई मशीन है या आप आपके मिक्सर में मिलाना चाहते हैं बड़े, तो आप उसमें डाल के मिला सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही मिलाने की ज़रूरत समझी, तो इसके लिए मैं अपने हाथों से ही मिलाऊंगी। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको आधे घंटे के लिए
ढक के रख दूंगी। अगर आपको ये डिफ्रीजर में रखना है तो आप इसके गोले बनाइए, सीख बनाइए और उसको डिफ्रीजर में ना अच्छे से ट्रे में रख के कड़क कर लो। कड़क करके आप अपने डब्बे में या चैन वाली वो आती ना थैली, उसमें किसी में भी स्टोर कर सकते हैं। ये 15 दिन तक आप निकाल के कभी भी सीख बना के इसका खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से अब मैं इसको आधा घंटा फ्रिज में रख दूंगी ढक के। तो चलो अब क्या करेंगे, हम पराठे के लिए आटा लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदे का आटा। ऐसा तो बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको पराठे खाने मिलेंगे सिर्फ मैदे के आटे के, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ दोनों मिला के बना रही हूँ, हेल्दी रहेंगे थोड़े। अब डालेंगे इसमें हम थोड़े से नमक, अब डाल देंगे इसमें ये 2 चम्मच तेल। ठीक है, इसको अच्छे से जरा मिला लेती हूँ मैं हाथ से तेल को। अगर आप चाहे तो पूरे मैदे के भी बना सकते हैं पराठे, या चाहे तो पूरे गेहूं के आटे के भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों मिक्स करके ली हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने पूरा मिक्स कर ली हूँ, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंध लेंगे। आटा हमको ज़्यादा नरम नहीं करना है और ना ही ज़्यादा सख्त करना है। ठीक है, जिस तरह से हम रोटियों के आटा गूंधते हैं ना, बस उसी तरह से गूंधना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आटा गूंध लेती हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग, आटा मैंने गूंध ली हूँ। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच तेल और इसको चिकना कर लेंगे। तो देख रहे आटा रेडी हो गया है, मस्त वाला एकदम नरम नरम। ठीक है, अब हम इसको रख देंगे, अगर टाइम रहेगा तो 1-1/2 घंटा रख लेना, मैं तो 10 से 15 मिनट रखूंगी बस। ठीक है, तो चलो आटा हमारा साइड में आराम कर रहा है और कीमा हमारा 1/2 घंटा हो गया है फ्रिज में रख के, तो हमने इसको निकाल लिए है। अब क्या करेंगे हम इसको, हमको फीलिंग चाहिए ना तंदूर की, अंगार की खुशबू चाहिए, फीलिंग चाहिए कि हम तंदूर से सीख पराठा खा रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारी एक स्टील की बाटी को इसमें बीच में रख देंगे और यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक कोयला भी अच्छे से जला लिया है तैयार करके। अब आराम से इसको उठाएंगे, डालेंगे इस पे, है ना। अब इस पे हम घी डालेंगे, आपको घी डालना है घी डालिए, तेल डालना है तेल डालिए, जो डालना है वो डालिए। अब हम इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलो देखते हैं, 5 मिनट हो गया है, वाह मस्त तंदूर की खुशबू आएंगी आज तो, मस्त सीख तो एकदम मस्त बनने वाले हैं। अब क्या करेंगे हम थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। ठीक है, अब इसमें तो सब खुशबू आ गई है, अब मैं इसको सीख बनाऊंगी इस लकड़ी में। ठीक है, ये चाइनीज लोग की चौंचौ है। ठीक है, उन लोग खाते ना ऐसी 2 डंडी से पकड़ के, ये वो वाली डंडी है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी मैंने सीख बनाई थी तो बताई थी आपको कि पेंसिल इस्तेमाल करने का, कौन सी, नटराज। नटराज नहीं मिली तो कोई भी चलेगी, लेकिन पेंसिल ले लेना, या फिर आपके घर में ऐसी लकड़ी होगी गोल, कोई और काम के लिए लाए होंगे वो ले लेना, झाड़ू की मत ले लेना। और हाँ, मैंने इसको हल्का सा तेल का हाथ लगाई हूँ ताकि हम ऐसा सीख निकाले तो बड़े आराम से निकल जाए। ठीक है, और यहाँ पे लिए हैं हमने बाउल में 1 ठंडा पानी। अब हम ये हटा देते हैं और हम ये ले लेते हैं जितनी बड़ी बड़ी हमको सीख चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये बना लिए हमने, बिस्मिल्लाह करके ये हमारी कांडी को बीच में डालेंगे बराबर। ठीक है, अब आराम से धीमे धीमे हाथ से हमको कीमे को नीचे साइड ढकलना है ना, ये उंगली से भी आप करेंगे तो आपका कीमा धीरे 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 नीचे 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 होता जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, ये अंगूठे के मदद से बहुत हेल्प मिलती है सीख बनाने के लिए, इसकी नोक दबाने के लिए भी इसी तरह से आप दबाना, पूरे पंजे से नहीं दबाना।
तो आपकी सीख खुल जाएगी। ये दो चीज़ों से आप दबाएंगे तो लकड़ी को आपकी सीख अच्छे से पकड़ में आएगी। ठीक है, तो ये हो गई मेरी सीख तैयार। अब मैं इसी तरीके से सारी सीख बना लूँगी। ठीक है, थोड़ा पानी में हाथ डिप करके ले लेंगे हम। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मेरी पांच पांच सीख रेडी हो गई है, जिसको हम अभी यहाँ पे सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवे में थोड़ा सा तेल ऐड कर ली हूँ। ठीक है, अब इसको बहुत आराम से हम यहाँ निकालेंगे, हल्के हाथ से, बहुत आराम आराम से निकालना। ठीक है, ये निकाल लिए हमने, अब इसको हम बड़े आराम से रख देंगे। इसी तरीके से मैं हमारी दूसरी सीख भी निकाल लूंगी। ठीक है, ये हम डाल देंगे हमारी दूसरी सीख भी। अभी हम कम तेल में तल रहे हैं ना, इसलिए हम दो दो ही सीख तलेंगे तवे पे। ठीक है, क्योंकि हमको डीप फ्राई नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको दो से तीन मिनट तक सेकी हूँ अल्टी पल्टी करके। सीख मेरी रेडी हो गई है, और ये सीख है ना बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि एकदम बारीक पीसी भी रहती है, और ऊपर से मैंने एक दिन पहले ही लाके इसको फ्रिज में रख दी थी। कभी भी आप है ना चिकन मटन कुछ भी एक दिन पहले से ही लाके रख देंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये दो सीख तैयार कर ली हूँ। अब इसी तरीके से मैं सारी सीख तल लूँगी। आप देख रहे हैं मैं कितने कम तेल में फ्राई कर रही हूँ, इसको ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। ऐसा तो देखो बाहर तो आग पे फ्राई करते हैं ये डंडी रख के, अभी हमारे पास सिगड़ी नहीं है, चूल्हा नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से हमारी सीख फ्राई कर लेंगे कम तेलों में। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर मेरी तीनों सीख तैयार कर ली हूँ। इसको अल्टी पल्टी करके बहुत आराम से सेक ली हूँ कम तेल में। वाओ, माशाल्लाह। अब क्या करेंगे, हम हमारी बाकी सीख हम बाद में फ्राई करके खा लेंगे। ठीक है, अब आते हैं पराठे की बारी। तो चलो, सीख हमारी रेडी हो गई है, अब बनाते हैं पराठे। जो हमने आटा रखे थे आधा पौना घंटा, इसको एक घंटा हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसके पेड़े बना लेते हैं। माशाल्लाह नरम हो गया आटा, तो पराठे मतलब बड़े बड़े। ठीक है, रोटी नहीं बना रहे हम, पराठे बना रहे। तो पराठे हमेशा मोटे ही अच्छे लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लो, मैं पहले बता दूँ आपको कि यहाँ मैंने रखी हूँ तवा, और यहाँ रखी हूँ मैंने कढ़ाई नवी वाली, जिसमें तेल डाल चुकी हूँ, तेल मेरा हो रहा है गरम। ठीक है, अब आप बोलेंगे आंटी तवा भी रखे और साथ ही साथ वो भी रखे, तो हाँ बेटा मैं दोनों रखी हूँ। मैं आपको बताती हूँ, ये स्ट्रीट फूड का पराठा है जो सीख के साथ खाया जाता है, तो इसको सिर्फ तवे पे नहीं सेका जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा बेल लेंगे। इसको हमारे घर के जैसा हम अंदर परत लगाएंगे, तेल लगाएंगे, पेड़ा बनाएंगे, नहीं वैसा सब कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम सीधा बेल लेंगे इसको। तो देखो इतना मोटा मैंने बेल ली हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा तवा हो गया है गरम, हम डालेंगे तवे पे और इसको एक 10-20 सेकंड थोड़ा सेक लेंगे। तो देख रहे आप लोग, मैंने 10-20 सेकंड सेक ली नीचे की रोटी, है ना। यानी कि एक तरीके से मुझे कच्चा पक्का पराठा सेक लेना है। ठीक है, आप लोग ऐसा कच्चा पक्का करके भी स्टोर कर सकते हैं इसको, जब खाने बैठे डिप करे, मस्त गरम गरम तल के निकाले और खा लिए, है ना। एक तरीके से ये स्टोर भी कर सकते हैं आप। तो ये मैं इस तरीके से कच्चे पक्के इसको फ्राई कर ले रही हूँ, तल ले रही हूँ। अब हम गैस करेंगे स्लो, देखो इस तरीके से, है ना। अब डालेंगे हम हमारे इसमें गरम गरम तेल में, नवी कढ़ाई में नवी कढ़ाई में। देख रहे आप लोग, पराठा मेरा गुप्पा हो गया है फूल के। ये पूरी पराठा, हाँ पूरी पराठा बोलो, जो भी बोलो,
लेकिन हमको इसको अच्छे से लाल लाल सेकना है, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब ये पराठे के साथ सीख एक नंबर लगेगी इस तरीके से। ये हो गई हमारी पराठा तैयार, कुरकुरा पराठा। बिस्मिल्लाह, इस तरीके से सीख पराठा बड़ा ही मजे का लगता है। इसी तरीके से मैं और पराठे तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना सीख पराठा। तुम भी कहाँ का है ये? देखो भाई कहीं का भी होगा लेकिन मैंने खाई थी माहिम। अरे, अरे, अरे नहीं, अभी अपने घर का है ये। घर का है लेकिन मैंने खाई थी माहिम में। अच्छा। तो इसके लिए मैं ट्राई करते रहती हूँ। सही में यार माहिम में भी ऐसी कुछ लुक वाइज भी सेम ऐसी रहता है, और पराठा तो यार मुझे देख के इतना मजा आ गया ना। हाँ, जो वो फूल के साथ बड़ा हुआ। क्योंकि अपन घर में पराठे अलग अलग तरीके के बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पराठे की रेसिपी एक दिन जरूर डालूंगी। अभी पता नहीं जोगेश्वरी में जा, मुझे मतलब मैं खाने जाता हूँ फरीद जोगेश्वरी, अभी पता नहीं चालू है या नहीं चालू है। तो भाई अगर चालू होगा कोई भी अगर उसके आसपास हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं जाऊंगा जरूर खाने। चलो एक प्लेट दो मेरे को। एक प्लेट कितने का? एक प्लेट कितने? माँ के पास कितने का भी नहीं रहता ना, है क्या? नहीं माँ के पास सिर्फ पराठा और पराठा। देखो ना सही, बहुत बहुत मस्त है ये। एक सीख आपकी। ये क्या मजाक किया था भाई? और ये आपके पुदीने, ये रहा आपका प्याज, और यहाँ रहा नींबू। नींबू सीख कांदा पुदीने की चटनी सब है भाई, पुदीना भी है साथ में। ये सीख के ऊपर थोड़ा सा डालेंगे। पराठा लिया, पराठा भी एकदम मस्त है, जड़ा जड़ा मोटा मोटा। और ये रही हरी चटनी जिसको चाहिए। ये देखो, ये देखो मैंने ना अच्छा खासा भर के लिया है सीख। ये मैंने सीख अच्छा खासा भर के लिया, और ये रही हमारी पुदीने की चटनी। एक बार वापस। बिस्मिल्लाह। कांदा अब मैं खाऊंगा। मैं तो सोची आज भी खिलाता क्या, खुद खा जाता जो एक साल में खिलाता था। अब मैं खाऊंगा वापस से पराठा, और ये अपनी सीख, ये मैं कुछ तोड़ूंगा ऐसा एकदम सॉफ्ट है। सीख एकदम सॉफ्ट है, सच्ची में सॉफ्ट है। और लिया मैंने थोड़ा सी पुदीना, थोड़ा सी पुदीना। बिस्मिल्लाह करो। अपने घर की चटनी ना हरी हरी दिखती है। कांदा भाग गया। हाँ कांदा और ये मजा। अपने घर की चटनी ना हरी हरी दिखती है, लेकिन स्ट्रीट फूड में ना हम लोग पीस के रखते थे ना बहुत देर तक, तो देखो वो कलर ना चेंज कर लेती है, काली काली होने लगती है। हाँ डार्क हो जाती है। मस्त लग रहा है ना? हाँ मस्त लग रहा है। खा खा मैं भी खाऊंगा। पराठा तो क्रिस्पी क्रिस्पी है, और सीख भी देखो ना क्या आराम से टूट रही है, एकदम मुलायम है। किस किस ने खाया मुझे बताना ऐसा पराठा जो? अरे हर किसी ने खाया रहेगा, हर किसी ने, मतलब समझ रहे ना, हर किसी ने। हाँ जलेबी पे तो बहुत जन आते हैं, बाहर से देशों से भी आते हैं ना, वहाँ पे भी मिलता है। खाओ मैं खाओ। हाँ खा तू खा, मैं खाऊंगी आराम से बैठ। बहुत बहुत मस्त बना। और भाई कांदा कम डालना, नहीं तो लोग सीख बनाने के बाद कमेंट करते रहे यार हमारी सीख क्यों टूट जाती है। वो कांदा ज्यादा लेता है ना, जैसे हमने बताया कि कांदे का पूरा पानी निचोड़ के कांदा यूज किया। हाँ, और अगर कांदा ना स्किप भी कर देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये रहा पराठा। अरे मैं बताता था ना, ये रही सीख। मैं बताता था मैं। क्या बताता था? मैं बता रही हूँ ना। लूट के खाने ना बहुत मजा आता है, लूट के खाने। ये देखो ये लग गई हमारी सीख, ये लग गए हमारे प्याज। रुकना दे देते कहीं बना देते। ये रही प्याज, ठीक है। अब ये रहे थोड़े से पुदीने के पत्ते। डाले क्या? क्या डाले? क्या नींबू? नहीं अभी नहीं डाले। ये रहे हमारे पुदीने के तो पत्ते। तरीका बता रहे क्या आपको झटपट कैसा खाना है? हाँ चलते चलते इंसान को अगर लेट हो रहा है, सवेर हो रहा है, नाश्ता नहीं करे तो अपना गाड़ी में बैठे कहीं बैठे तो ऐसा फटाफट डाल लिए, और हाथ में पकड़ के नीचे से अपना वो क्या बोलते हैं ना टिश्यू वो हाथ में बांध के फ्रेंकी बना के खा लेने का यार। फ्रेंकी बना के खा लेने का। और क्या ये हमारा नींबू? आहा ये मेरे को तो ऐसे खाने मजा आ रहा है, और मैं ऐसे खाता हूं। नींबू डाल दिया हमने,
मजे का नींबू की बीज हटा दिए, थोड़ी सी चटनी भी डाल देते। यार बहुत जिनके बाद मिलता ना तो इंसान एकदम फास्ट फास्ट खाता है, जैसे कि मैं। अभी एक करो रोल, डबल सिक कर दूं। बहुत बहुत भारी, नहीं 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 तुम खाओ, ये मैं खा रहा हूं। ये कर दिए ये। अब यहां हम टिश्यू बांध लिए, टिश्यू बांध के। रमे इतना बड़ा आधा गायब। मजा आ गया, मार के मजा आएगा खा के। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना, और हमारा सीख पराठे का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो अभी का चिकन की व्हाइट बिरयानी कुछ तो देखो भाई, चिकन की व्हाइट बिरयानी अगर आप लोगों को देखना है, यानी कि हमने मटन की बिरयानी, व्हाइट मटन की बिरयानी डाले है, जो किसी ने भी अभी तक नहीं देखा होगा, तो गाइस प्लीज हमारी व्हाइट मटन की बिरयानी जाके देख लो, है ना। चलिए चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। तो चलो भाई जाते हैं अभी, जब तक ये सीख पराठा खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखना, सबके लिए दुआ करना।